किसने और कैसे अर्जुन का घमंड चूर चूर किया। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का ये उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। आपके शत्रु कौन हैं? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं चार लोगों को खोज कर रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूँ। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। उसकी धृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को जूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वो है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू।